और चलिए, हमने आपको रांची से उन तमाम तालाबों की तस्वीरें तो दिखाई, लेकिन अब हम देवघर की ओर रुख करते हैं, जहां से हमारे साथ संवाददाता दीप नारायण जुड़े हुए हैं और आज की विशेषता के हमारे पास वो सब तमाम तस्वीरें पहुंचाएंगे। दीप नारायण, क्योंकि देखिए आज लोक आस्था के महापर्व का दूसरा दिन और दूसरे दिन का महत्व खन्ना के खीर के प्रसाद के साथ होता है और आप वहां पर मौजूद है, खन्ना का प्रसाद बन रहा है और अब से प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा, आज आस्था के महालोक पर्व का दूसरा दिन है। नहाय खाय से इसकी शुरुआत हुई और आज खरना है। शाम को खरना के वक्त महिलाएं जो है वो महाप्रसाद का निर्माण करती है, जिसमें गुड़ और चावल का खीर होता है, रोटियां होती है, लड्डू बनाए जाते हैं। अभी हम रंगा मोड़ के एक घर में कुंदन शर्मा जी के घर पे मौजूद हैं, जहां ग्रामीण परिवेश की तरह यहां पर पूरी तरह से ये महाप्रसाद का निर्माण कराया जाता है। देखिए ये तमाम छठ व्रती और इनके सहयोग में लगे हुए हैं और यहां पर आप देख रहे हैं कि रोटियां लोहे के बर्तन में बनाई जाती है, चूल्हा लकड़ी के चूल्हे पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लड्डू बनकर तैयार है और उसके बाद यहाँ पर रोटियां दिख रहे हैं कि सभी के सहयोग से बनाई जा रही है। ये महाप्रसाद जो है शाम के वक्त जो छठ करती हैं वो माता जी इसे चढ़ाएंगी और उसके बाद आम लोगों के लिए ये जो छठ है उसका प्रसाद का वितरण होगा। छठ कर रही है आप माता जी, क्या क्या बन रहा है अभी? ये बन रहा है चार के लड्डू, गोहूं के आटा के पूरी। अच्छा, शुद्धता का कितना ख्याल रखती हैं आप? कौन कौन सहयोग कर रहे हैं आपका? ये मेरा पुत्र है, वो गोतनी है, वो पति है, वो बेटी है, सबको चले आते हैं बनाने। सबको चला वाला चलाता है बनाने सब के लिए। हाँ। अच्छा, ये प्रसाद जो है पहले आप ग्रहण करती हैं उसके बाद लोगों के लिए? हाँ, हम ग्रहण करते हैं तब सब कुछ करता है। देखिए यहाँ तमाम महिलाएं जो है वो अब सहयोग में हैं और इस सहयोग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लकड़ी के चूल्हे पर ये रोटियां, छोटी छोटी रोटियां बनाई जाती है और लड्डू जो है वो बनकर लगभग तैयार है, खीर के साथ ये लड्डू और ये जो है ये तमाम चीजें इन्हें दीदी। अच्छा, क्या क्या बना रही है इसमें? इसमें लोग खीर बनाई है जी, और ये चावल का लड्डू बनाते हैं और ये रोटी बना रहे हैं। लड्डू किस चीज का बनता है? चावल का आटा, चावल के आटा का बनता है। इसमें कैसे तैयार करते हैं इसको? इसको हम लोग जैसे आटा चावल का गुड़ा होता है ना, गुंडी में गर्म पानी उसको सानते हैं, उसको मिला करके इसका गुल लड्डू बनाते हैं, फिर गर्म पानी खौलाते हैं, उसमें फिर हमें डालते हैं। अच्छा, ये रोटी जो बनती है इसमें घी वगैरह? हाँ, इसमें घी डालेंगे। ये छोटी छोटी रोटियां ही बनती है जी। हाँ, और प्रसाद में क्या क्या बना रही हैं आप? बस यही तीन यही बनेगा इसमें। हाँ, और जो ठेकुआ वगैरह जो कल बनाएंगे, सुबह में बनाएंगे, ये लकड़ी के चूल्हे पर ही बनाते हैं जी। हाँ। अच्छा, ये बाकी लोग आपका सहयोग कर रही जी। देखिए खरना का प्रसाद का अपना महत्व है और देखिए छोटी बच्ची भी है, वो भी सहयोग कर रही है। आप क्या कर रही है यहाँ पर? पूरी बना रहे हैं। पूरी बना रही है इसमें। देखिए और भी दीदी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये आप लोग कैसे सहयोग करती हैं यहाँ पर? आ तो सुबह से लेके शाम करते हैं, अच्छा से शुद्ध हो के मतलब खाए पिए मतलब ये करके। अच्छा, आप लोग उपवास में रहके इसको बनाती हैं? हाँ, उपवास में कहा बात, आज नहा लिए खाओ के कल उपवास में रहेंगे। अच्छा, परसों भी थे, कल थे, अब कल रहेंगे उपवास में। उपवास में आके कल ठेकुआ और लड़ुआ बनेगा। आज क्या क्या बना रही है आप? आज पूरी है, लड्डू है और खीर बनेगा, दो चीज हो चुका है। ये गुड़ और चावल का खीर बनता है? हाँ, गुड़ और चावल का खीर बनता है। आप गीत वगैरह गा के नहीं बनाती है क्या? गीत गाते हैं। आप सुनाइए, आपको प्रसाद गीत गाते हैं तो सुनाइए आप हमें गीत। बिल्कुल दीप नारायण, देखिए ये पर्व शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है, इस वजह से काफी अनुष्ठानों का जो हम देखते हैं कि छठ व्रती अपना पालन करती है। और ये तमाम तस्वीरें आपका फिलहाल पहुंचाने के लिए हमारे तक बहुत बहुत धन्यवाद दीप नारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।